दो महा पूर्व थाना कोसी क्षेत्र में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। हम आपको बता दें कि थाना कोसी क्षेत्र के एक नामचीन मोहल्ले में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के साथ मोहल्ले के ही रहने वाले दो युवकों ने बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की और अकेले में ले जाकर दुराचार का प्रयास भी किया। इस मामले में किशोरी द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, इसके साथ ही 164 के बयान भी हुए। इतना सब होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम क्षेत्र में घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। कई बार पुलिस द्वारा टाल मटोल किए जाने के बाद किशोरी के परिवारजन उसे लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को लेकर गुहार लगाई। वहीं किशोरी और परिवार के सदस्यों ने इस घटना को लेकर जानकारी दी। बात प्रकरण ये है कि एक मुकदमा दर्ज हुआ था 21/3/2022 को, बेटी के साथ दुराचार हुआ, तो थाना कोसी किला में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी धाराएं क्राइम संख्या 235 है और पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया हमारा। पुलिस प्रशासन ने बेटी की 161 के बयान लिए, 164 के बयान लिए और लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो मेडिकल की रिपोर्ट भी आ गई है। अब परेशानी ये बनती है कि मुलजमान जो हैं वो तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है, वो लोग यूँ ही खुले में घूम रहे हैं और खुले में धमकियां दे रहे हैं कि या तो मुकदमे को वापस ले लिया जाए या जान से मार देंगे। वो लोग पड़ोस में ही हैं, जिनका नाम अमरदराज है, जिसका नाम एक का नाम मुइन है। अब बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज पढ़ता है समथिंग घर से 2 किलोमीटर दूर। बेटी बी ए सेकेंड ईयर की छात्रा है, जिसके 20 तारीख को, इसे आने वाली 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब बेटी 1 महीने से घर में ही पढ़ी है और कॉलेज नहीं जा पा रही, वो पढ़ाई से भी वंचित हो रही है, एग्ज़ाम की डिप्रेशन का शिकार हो रही है। अब मांग करते हैं, हम एसएसपी महोदय के यहाँ पर भी आए हैं, कई बार हमने पहले भी 2 बार प्रार्थना किया, 3री बार भी आए हैं कि उन दोनों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा के जेल भेजा जाए। मैं ये सोचता हूँ कि माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान चलाया कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है। आज ऐसे गुंडे जो बेटियों के साथ अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ 2-2 महीने तक कार्रवाई नहीं होती, ये समस्या परे होता है अपने दिमाग से कि वो लोग कोसी किला के अंदर क्षेत्र में ही घूम रहे हैं, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। आज भी हम जब यहाँ प्रार्थना करने के लिए एसपी महोदय के यहाँ आए, तो एसपी महोदय ने भी आदेश किया है उनको अरेस्ट कराने के लिए, बशर्ते कोसी की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे कि उनको अरेस्ट करा के जेल भेजा जाए। कोई ना कोई अब उनका अभाव है पुलिस प्रशासन पर, किस तरीके का अभाव है मैं ये बात कहना नहीं चाहता और ना मैं कहूँगा और ना मुझे पता है, कोई ना कोई बात तो है। मैंने खूब प्रार्थना कोसी थाने में भी जाके किए, मैंने खूब प्रार्थना क्षेत्र महोदय से जाके किए, छाता में एसएसपी महोदय के यहाँ भी मैं आया हूँ। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझ लीजिए कि हम, बेटी इतनी परेशान है, कुछ भी करने को तैयार है।